नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप मित्रों यूपीपी की कर रहे हैं, वही यूपीपी जिसका री एग्ज़ाम लगा हुआ है। आप जानते हैं री एग्ज़ाम की डेट, और फाइनली री एग्ज़ाम की डेट 5 दिनों में है, और फाइनली 5 दिन आपके अगस्त में ही हैं। 30-31 तक पेपर है मित्रों। जो लोग सोचते हों कि 23-24 में पड़ेगा, हो सकता है उनका 25 या 30 में पड़ जाए, 31 तक पेपर है। तो 23-24-25-30-31 आपकी परीक्षा तिथि है, इन्हीं बीच में किसी भी दिन आपका पड़ सकता है। आप तैयारी कहीं भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस यहाँ भी दे सकते हैं। प्रैक्टिस देने में कोई हर्ज नहीं है, 10-15 मिनट की खेल है, और आप 38 क्वेश्चंस में अपना स्कोर भांप सकते हैं कि जीएस आपका कितना मजबूत है, कौन सा पोर्शन पढ़ने की आवश्यकता है। तो देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अपने इष्ट मित्र तक शेयर कर दें, जो पुलिस भर्ती परीक्षा तैयारी दे रहे हों उन तक ये दृश्य पहुंचा दें, जिससे वो लोग भी लाभान्वित हो पावे। क्लास की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ना मुंबई का है, नागपुर का है, पूना का है, और सतारा का नाम दे दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात आए तो मुंबई के साथ आंसर्स बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना पड़ता है। दो नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। पूछा जा रहा है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? नाम गोपाल कृष्ण गोखले का है, बाल गंगाधर तिलक का है, बिपिन चंद्र पाल का है, उपयुक्त में से कोई नहीं का नाम दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने स्टार्ट किया? तो गणपति और शिवाजी उत्सव स्टार्ट करने का जो काम होता है वो बाल गंगाधर तिलक का होता है। आपको राइट आंसर तिलक के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, तीन नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? नाम पटना का है, सासाराम का है, सीतामढ़ी और रोहतासगढ़ का नाम दिया गया। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है मित्रों वो सासाराम बिहार में है। राइट आंसर आपको सासाराम के साथ देना पड़ेगा, सी के साथ आपको यहाँ सही जवाब लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए, 4 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, या फिर नारायणपुर पर आक्रमण। आपसे महमूद गजनवी के आक्रमण में सबसे खास वाला आक्रमण कौन सा है? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था उसने, ये सबसे खास है। राइट आंसर्स बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? नाम पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट वाला है, इलाहाबाद संगम वाला है, बोध गया यानी उरुवेला निरंजना नदी के तट पे है, या फिर ज़्रामबेक यानी रुसवालिका नदी के तट पे है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ मित्रों? तो आप जानते हैं गया, गया यानी बोध गया, बोध गया यानी उरुवेला, तो निरंजना नदी के किनारे बोध गया में प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। सही जवाब सी के साथ लगाना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछा गया चित्रकला, चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नाम नंदलाल बोस का है, भावेशन सान्याल का है, यामिनी रंजन राय और अवनीनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। आपसे चित्रकला में बंगाल शैली का अग्रदूत पूछा जा रहा है मित्रों, तो जो राइट आंसर्स बैठेगा वो राइट आंसर्स आपका यामिनी रंजन राय के साथ बैठेगा। यामिनी रंजन राय, अरे सॉरी, अवनीनाथ ठाकुर के साथ बैठेगा। प्यार से लोग इन्हें अवनी बाबू कहते हैं मित्रों, अवनी बाबू। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर छपता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। आपसे पूछा गया नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास जो है वो कहाँ हुआ था? मणिपुर में, केरला में, कर्नाटका में, या फिर तमिलनाडु में? मोहिनीअट्टम रूप का जो विकास है वो कहाँ पे हुआ मित्रों? तो केरला, जहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता है वहीं पर मोहिनीअट्टम का विकास हुआ। तो राइट आंसर्स बी के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चला जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? नाम गंगा का है, गंगा ब्रह्मपुत्र का है, ब्रह्मपुत्र का है, और कृष्णा कावेरी का नाम दिया गया। आपसे सुंदरवन का डेल्टा पूछा गया कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन का जो डेल्टा है मित्रों वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच वाला है और बंगाल में स्थित है। सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ लगाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पढ़ते हैं।
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। नाम मानसूनी का है, भूमध्य रेखीय का है, भूमध्य सागरीय का है और टुंड्रा का नाम दे दिया गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। अगर साल भर वर्षा की हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वो साल भर वर्षा होती रहती है। राइट आंसर बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ज्वालामुखी और स्थान का नाम दिया गया, सुमेलित नहीं है तो एटना इटली का है, फ्यूजीयामा जापान का है, पोम्पो आपका म्यांमार का है और क्रोंका को जो है टोवा आपका इक्वाडोर का नाम लिखा गया। ज्वालामुखी और स्थान में किसका सुमेल नहीं है। क्राकाटोवा इक्वाडोर के साथ आंसर्स बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। आगे चला जाए 11 नंबर क्वेश्चन से। आपसे कह रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, राज्य सरकार है, कृषि लागत और मूल्य आयोग है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारक होता है मित्रों वो आपका इनमें से कोई नहीं है। राइट आंसर्स आपको यहाँ डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। हम 12 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा लेता है, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्रदान करते हैं, सरकारी ऋण जारी किए जाते हैं या फिर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं। बैंक दर ब्याज की दर है तो बैंक दर ब्याज की दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं। राइट आंसर्स बी के साथ बैठेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। नाम प्राथमिक घाटा का है, राजकोषीय घाटा का है, राजस्व घाटा का है और आय व्यय घाटा का नाम दिया गया। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे ज्यादा योगदान है तो उस घाटे को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं मित्रों। राइट आंसर्स बी के साथ बैठता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तकनीकी है, चक्रीय है, घर्षणात्मक है और संरचनात्मक का नाम दिया गया। भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो है वो कैसी है मित्रों तो संरचनात्मक बेरोजगारी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। डी के साथ आपको आंसर्स मिलान करना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चंस पे चलना होगा। 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है मित्रों। नाम ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देने से है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारियों को रोजगार देने से है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने से है या फिर उपयुक्त सभी का लाभ कुटीर ज्योति योजना से है। ज्योति मतलब प्रकाश होता है मित्रों और प्रकाश मतलब लाइट, तो सही जवाब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को विद्युत सुविधा यानी लाइट की सुविधा उपलब्ध कराने से है कुटीर ज्योति योजना। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 16 की बात है। आपसे कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई। नाम संसदीय प्रणाली का है, मूल अधिकार का है, संघीय प्रणाली का है और मूल कर्तव्य का नाम दिया गया। इंग्लैंड से क्या लिया गया मित्रों तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली ली गई है। राइट आंसर संसदीय प्रणाली बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम एकदम फिट बैठता है सही है। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू और चरण सिंह का ऑप्शन दिया गया। आपसे पूछा गया सबसे पहले कौन, तो दो नंबर से स्टार्ट होगा यानी पहले और डी का ऑप्शन तो अपने आप कट गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नंबर एक पे रहे हैं आप जानते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू के बाद इन चारों ऑप्शंस में इंदिरा गांधी पहले बन जाती हैं दो नंबर पे, फिर उसके बाद कौन आता है मित्रों तो आप जानते हैं मोरारजी देसाई बनते हैं और चौधरी चरण सिंह ये सबसे लास्ट में रहेंगे, डी के साथ रहेंगे। सही जवाब सी के साथ बनेगा, चौधरी चरण सिंह वही अजीत सिंह के पिताजी और फाइनली वर्तमान जो लोकदल है उनके बाबा जी। चौधरी चरण सिंह जी को इस बार भारत रत्न दिया गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है केवल दो विकल्प, केवल एक विकल्प, भरे जाने वाले पद से एक कम विकल्प या फिर उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में जो
हर मतदाता है वो कैसे व्यक्त करेगा अपना चुनाव, तो उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं उतनों को आपको क्रम के अनुसार भरना पड़ता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बैठता है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, आपसे पूछा गया भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। शून्यकाल प्रश्न से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल की अगली कार्यसूची के विषय का समय, या फिर जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। मित्रों जब हम शून्यकाल की बात करते हैं तो शून्यकाल में प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची जो होती है उसके बीच का जो टाइम है वो शून्यकाल कहलाता है। राइट आंसर समय यहाँ सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है, आत्मकथा है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, यानी वेशंट हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, चितरंजन दास हैं, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इंडियन स्ट्रगल की अगर बात करते हैं मित्रों, सुभाष चंद्र बोस की ये जो है बायोग्राफी है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा, हीमोग्लोबिन का कार्य है अमीनो अम्ल उपलब्ध करवाना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम उपलब्ध करवाना, या फिर उत्सर्जन में सहायता करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है मित्रों, तो उसका ऑक्सीजन ले जाने का काम है। सही जवाब आपको बी के साथ लगाना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलीज है, शीशी मक्खी है, बालू मक्खी है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मलेरिया रोग के परजीवी का जो वाहक होता है मित्रों वो क्या होता है, तो वो आपका मादा एनोफिलीज है। राइट आंसर्स मादा एनोफिलीज लगाओ, फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। आगे चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक किलो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज पर सेकंड होता है, किलो हर्ट्ज पर सेकंड है, या फिर हर्ट्ज है। आवृत्ति का मात्रक क्या है मित्रों, तो आवृत्ति हर्ट्ज पर सेकंड होता है, याद रखना। सही जवाब हर्ट्ज प्रति सेकंड के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चला जाए 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। नाम पंतनगर का है, कानपुर का है, अलीगढ़ का है, और आगरा का नाम दिया गया। चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जो लोकेटेड है मित्रों वो आपके कानपुर में लोकेटेड है। सही जवाब कानपुर दो, सी के साथ आंसर्स लगाओ। आगे चला जाए 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है। नाम गोरखपुर का है, लखनऊ का है, बरेली का है, और फैजाबाद का नाम दिया गया। कृषि विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया। उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है मित्रों नरेंद्र देव वाला है। सही जवाब फैजाबाद लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 26 नंबर क्या कह रहा है, लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई। 1911, 1962, 1920, या फिर 1950। लखनऊ में शिल्प और कला महाविद्यालय की जो स्थापना है मित्रों 1911 में होती है, यानी 1911 में होती है। तो राइट आंसर्स आपको फर्स्ट के साथ यहां लगाना है, ए इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाना है। फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगाते हैं, आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई। नाम वाराणसी का है, इलाहाबाद का है, लखनऊ और मिर्ज़ापुर का नाम दिया गया। 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना होती है, वो स्थापना कहाँ होती है मित्रों, तो वो स्थापना VHU में होती है, यानी वाराणसी में होती है। राइट आंसर्स वाराणसी देना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना है। आगे चला जाए तो 28 नंबर क्वेश्चन आता है, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। आपको बताना है, सुमेलित करना है और कूट मिलान कर लेना है, सही जवाब क्या होगा। जैसे आप कनक भवन की बात करते हैं तो ये अयोध्या में स्थित है, आप कामतगिरी पर्वत की बात करेंगे चित्रकूट धाम में स्थित है, आप कालिंजर दुर्ग की बात करेंगे बांदा में है, और देवा शरीफ की बात करेंगे तो ये बाराबंकी में है। यानी डी का पहला होना चाहिए, ए का चौथा होना चाहिए। डी का पहला केवल और केवल एक ही विकल्प में है, वो विकल्प आपका बी है, इसलिए राइट आंसर्स आप बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर्स बना लो। आगे पूछा जाए अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, आपसे पूछा गया वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ। इंदिरा गांधी सरकार में हुआ, जनता पार्टी सरकार में हुआ, चौधरी चरण सिंह की सरकार में हुआ, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का जो गठन किया जाता है मित्रों वो आपके जनता पार्टी की सरकार में किया जाता है, तो आप राइट आंसर जनता पार्टी लगाओ, बी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन हम 30 नंबर पढ़ते हैं,
पूछा गया पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी हैं, नाम डीजीपी का है, आईजीपी का है, डीआईजी का है और एसएसपी का नाम दिया गया। पुलिस विभाग के जो प्रधान अधिकारी हैं, हेड अधिकारी हैं, वो डीजीपी हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर, बनाओ। और आगे चला जाएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, फायर भी किया गया है, तो आप क्या करेंगे? सुना अनसुना कर देंगे, अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, तुरंत पुलिस को फ़ोन करके सूचित करेंगे या फिर अपना फ़ोन बंद कर देंगे? आपको बताना है, पुलिस में जा रहे हैं तो आपको पुलिसिया सहायता तो करनी ही है भाई, तुरंत पुलिस को फ़ोन करो, सूचित करो, लोगों की जान बच जाए। तो सही जवाब आपको शी के साथ लगाना है। आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, आपसे कह रहा है स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य है, स्वावलंबन पेंशन योजना का जो उद्देश्य है मित्रों वो क्या है? महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता है, महिलाओं को अस्थायी आधार पर रोजगार प्राप्त करने में सहायता है, महिलाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं है, स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य इसमें से कोई नहीं, डी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन हम 33 नंबर पढ़ेंगे, आपसे कह रहा है समेकित बाल विकास योजना में बालकों की कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? नाम निःशुल्क शिक्षा का है, पौष्टिक आहार का है, टीकाकरण का है और उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं? तो बालकों को जो सुविधा मिलेंगी, टीकाकरण भी होगा, पौष्टिक आहार भी दिया जाता है और निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है, तो उपयुक्त सभी के साथ आंसर्स बन रहा है, डी के साथ हम सही जवाब लगा रहे हैं, डी इज द राइट आंसर्स बना रहे हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा, पूछा गया राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नाम मुंबई का है, जयपुर का है, गुरुग्राम का है और प्रयागराज का नाम दिया गया। सरस आजीविका मेला 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ मित्रों? तो सही जवाब गुरुग्राम हरियाणा बनता है, राइट आंसर सी के साथ लगाते हैं, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाते हैं। और आगे चला जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है घास के मैदान में, वनों में, समुद्र में या फिर मरुस्थल में? सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है, तो सबसे लंबी हो खाद्य श्रृंखला हो कहाँ मिलेगी? वो आपके घास के मैदानों में मिलेगी, राइट आंसर घास का मैदान बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है, आपसे पूछा गया राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 15 मार्च को, 12 मार्च को या फिर 5 मार्च को? मित्रों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात हो रही है तो 8 मार्च का वो डेट होता है, राइट आंसर 8 मार्च लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। आगे चलें, 37 नंबर क्वेश्चन से नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उद्योग से, दुग्ध उत्पादन से, आलू उत्पादन से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? नाम सेनिस पलासियो का है, मोरिया विल्सन का है, एंटोनियो पोलार्ड्स का है और जॉर्जिया लूनी का नाम दे दिया गया। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की बात हो रही है, तो शेनिस पलासियो सही जवाब है, ए के साथ आपका राइट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनना चाहिए, ए के साथ आप सही जवाब लगाओ। अब आपको बारी है बताने की कि 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर ईमानदारी के साथ क्या रहा, सही सही बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।